Assalamu alaikum, with the wish and hope that you are in good state of your health. Today we are going to discuss mathematical modeling of mechanical system using state space representation. That is lab number 8 topic. So in last lab we discussed के हम किस तरह से मैकेनिकल सिस्टम्स को मॉडल करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच. उसके अंदर हमारे पास जिक्र आया था कि हम सिस्टम्स को स्टेट स्पेस के थ्रू भी मॉडल कर सकते हैं. फिर हमने कुछ लिमिटेशन देखी थी. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास सिस्टम को टाइम डोमेन के अंदर जो है वो मॉडल कर रहा होता है, बट देयर वाज लिमिटेशन. एक प्रॉब्लम जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका सोल्यूशन फाइंड करना मैथमेटिकली, दैट इज अ बिट चैलेंजिंग. तो कंट्रोल्स के अंदर जो ज़्यादातर जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो ये दो मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड इज ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच एंड द सेकंड मेथड इज स्टेट वेरिएबल. ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं. मॉडलिंग करने की वजह, वी वॉन्ट टू एनालाइज द सिस्टम, और फिर उसको एनालाइज करने के बाद हम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं. तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच हमने डिस्कस की थी, ये आपके पास सिस्टम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में से इसके थ्रू जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर आप सिस्टम को जो है वो मॉडल कर सकते हैं. बट देयर वर सम लिमिटेशन टू दिस ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, वो लिमिटेशंस क्या थी? ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच इज वैलिड फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स. ठीक है, LTI सिस्टम्स भी हम इन्हें कहते हैं, या फिर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, दैट मींस सीसो सिस्टम्स. इसको हम सीसो भी कहते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म. तो ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है उन सिस्टम्स के ऊपर जो LTI हो और सीसो हो. लेकिन अगर आपके पास अदर देन LTI सिस्टम और सीसो सिस्टम हो, तो वहाँ पे आप ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच के थ्रू सिस्टम्स को मॉडल नहीं कर सकते. ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को हम बहुत सारी जगहों पे कन्वेंशनल या फिर क्लासिक अप्रोच भी कह रहे होते हैं. ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को हम कन्वेंशनल या क्लासिक अप्रोच कहते हैं. ठीक है, लेकिन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप ना सिर्फ LTI और सीसो सिस्टम, इसके अलावा आप नॉन लीनियर सिस्टम्स को भी जो है वो डील कर सकते हैं, साथ में MIMO सिस्टम्स. ठीक है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स, MIMO सिस्टम्स को भी आप जो है वो स्टेट स्पेस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज अ मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक. ठीक है, कन्वेंशनल जो हमारे पास होती थी वो ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू हम सिस्टम्स को एनालाइज कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी. देन हमारे पास जो है एक नया मेथड आया, दैट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, कि आप स्टेट स्पेस के थ्रू भी चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करना है हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी स्टेट स्पेस सिस्टम का कैसा होता है. ठीक है, सबसे पहली बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपने जब भी किसी भी सिस्टम को स्टेट स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो आपने दो इक्वेशंस बनानी है मेनली. ठीक है, द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, दिस इज कॉल्ड स्टेट स्पेस इक्वेशन. इक्वेशन 8.2 इज स्टेट स्पेस इक्वेशन, यानी आपने एक स्टेट स्पेस इक्वेशन को बनाना है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज आपने आउटपुट इक्वेशन को बनाना, दैट इज इक्वेशन नंबर 8.3. ठीक है, इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, ठीक है, तो आपने जो है वो दो इक्वेशन बनाई, दैट इज एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, और फिर दिस इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन. ठीक है, ये आपके स्टेट इक्वेशन होती है. फिर आपने सेकंड इक्वेशन जो फॉर्म करनी होती है, दैट इज आउटपुट इक्वेशन, वो क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर. मैं भी बताता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, अब सबसे पहला सवाल आता है कि स्टेट क्या होगी. ठीक है,
स्टेट वो चीज होती है जिसके ऊपर जिसकी जिसके थ्रू जो है आपका आउटपुट वेरी हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने स्टेट वेरिएबल किस चीज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा काम होता है थिंकिंग प्रोसेस का, ठीक है। अगर आपने चीजों को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उसको जो है बहुत आसानी से और सही स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, ठीक है। स्टेट वेरिएबल जो कि आपका एक्स है, आपने उन वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके पास रेट ऑफ चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि स्टेट वेरिएबल हम किसे सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर डी बाई डी टी आ रहा हो, यानी रेट ऑफ चेंज आ रहा हो, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम ड्राइव करते हैं सिस्टम की उसके थ्रू आप देखते हैं कि ये आपके पास जो है वो उसके अंदर डिफरेंशियल आ रहा होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर डिफरेंशियल आ रहा होता है आप उसे स्टेट स्पेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेट स्पेस इक्वेशन में जो है हमें ये दो इक्वेशन डिफाइन करनी होती है, x डॉट इज इक्वल टू x प्लस बी यू, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। अब इसमें x जो है ये आपके पास क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। और इन स्टेट वेरिएबल्स को आप थ्रू स्टेट वेक्टर डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो x है, x के अंदर आपके पास तमाम स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और ये x जो है ये पूरा एक स्टेट वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर का क्या मतलब है कि ये एक पूरा मैट्रिक्स होगा जिसकी डायमेंशन कॉलम में होगी, ठीक है। तो ये एक पूरा वेक्टर होगा जिसके अंदर बहुत सारी आपके पास स्टेट्स होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखते हैं ये x जो है ये आपका क्या है, स्टेट वेक्टर है। x डॉट क्या हो गया, स्टेट वेक्टर का आपके पास डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, सिंपल। u इज योर इनपुट, ठीक है, आपके सिस्टम का जो इनपुट होगा दैट इज u, ठीक है। y आपके सिस्टम का आउटपुट, और ये x अगेन स्टेट वेक्टर और u आपके पास स्टेट वेरिएबल। अब ये a b c और ये d, ये क्या है, दीज आर मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये मैट्रिसेस क्या होते हैं, ए आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो सिस्टम की डायनेमिक्स को आपको डिफाइन कर रहा होता है। बी आपके पास क्या होता है, बी आपके पास होता है इनपुट मैट्रिक्स के जो आपकी इनपुट की डायनेमिक्स डिफाइन कर रहा होता है कि इनपुट कैसे अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। अब जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी कि मैट्रिक्स कैसे होता है। मैट्रिक्स जो है खुद ही फॉर्म होते हैं, आपने उन इक्वेशंस को सिर्फ अरेंज इस फॉर्म में करना होता है ताकि आप उसको आसानी से अपने मैट्रिसेस को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। सी आपके पास क्या होता है, सी इज योर आउटपुट मैट्रिक्स। ये इसके पास डायनेमिक्स होती हैं कि आपके आउटपुट जो है वो क्या क्या होगा, वो किस तरह से आपके पास आउटपुट पे चीजें आ रही होंगी। डी आपके पास क्या होता है, फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स या फिर डायरेक्ट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यानी हमने जो है वो कंट्रोल्स की बहुत कम एग्जांपल्स हैं। डी यूजुअली जो है वो जीरो होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास एक सिस्टम है तो ये सिंपल एक फीडबैक हो रहा है, ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ये आपके पास इनपुट अप्लाई हो रहा है, ये आपके पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फीड फॉरवर्ड क्या होता है कि अगर इनपुट से डायरेक्ट कोई भी चीज आउटपुट की तरफ डायरेक्ट चली जाए, ठीक है, तो वो आपका फीड फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड को हम जो है यूजुअली डी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारी केसेस के अंदर ये जीरो होता है, लेकिन जहां पे अगर आपको किसी भी सिस्टम में इस तरह से फीड फॉरवर्ड दिखे, यानी डायरेक्ट इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ जो है वो एड हो जाए, तो वहां पे आपके पास जो है वो फीड फॉरवर्ड का केस हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमारी जो भी एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारे पास ये डी जो फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है ये जीरो होगा, ठीक है। अब मैंने भी आपसे बात करी कि ये ए बी सी डी ये सारे के सारे मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। अब इन मैट्रिसेस की डायमेंशन होंगी, ठीक है। अब वो डायमेंशन क्या होगी, एन आपकी डिफाइन कर रहा होगा नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एम डिफाइन कर रहा होगा नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, और पी है नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो अब हम इसको जरा पैरेलल देख लेते हैं,
तो अब अगर आप ये देखें x डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो सिस्टम में दो हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिस्टम में दो डेरिवेटिव मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट हमारे सिस्टम में एक है, ठीक है, और फिर आपके पास क्या है, पी आपको चाहिए, पी आपका क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट कितने हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा नंबर ऑफ आउटपुट अभी वन है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसकी डायमेंशन लिखना शुरू करूं तो x डॉट इज n बाय वन, तो इसकी डायमेंशन 2 बाय वन होगी, यानी दो रोज एक कॉलम, इसकी डायमेंशन होगी 2 बाय टू ए की, बी की x की डायमेंशन होगी 2 बाय वन, बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी m बाय n बाय m, ठीक है, यानी 2 बाय वन, और u की डायमेंशन हो जाएगी 1 बाय वन, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करूं तो मेरे पास इसकी डायमेंशन ऐसी होगी जिसके अंदर मेरे पास x1 डॉट और x2 डॉट होगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर चार वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ये मैं इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, x की डायमेंशन क्या हो जाएगी x1 और x2 प्लस b में आपके पास जो है वो दो डायमेंशन होंगी, फॉर एग्जांपल मैं इसे कह लेता हूँ दिस इज ई एफ, और फिर लास्ट में आपके पास u होगा जो कि सिंगुलर है क्योंकि इसमें वन बाय वन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको अगर पता है कि मेरे सिस्टम की स्टेट्स इतनी है, मेरे सिस्टम में इनपुट इतने हैं, मेरे सिस्टम के आउटपुट इतने, तो आप इस तरह से एक ब्लैंक स्केच अपने पास बना लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए कि आप जब शुरू में काम करें तो आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है चीजें समझने में, तो आप एक ब्लैंक स्केच बना लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेट स्पेस में कि हम जो है वो इन वेरिएबल्स को जो जिनको मैंने सर्कल किया है ये हमारे पास अननोन होते हैं, ठीक है, हमने इसको फाइंड करना होता है, बाकी जो है वो तकरीबन जो है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट स्पेस में। तो जो सर्कल में मैंने किए हमें ये कॉन्स्टेंट जो है वो फाइंड करने होते हैं थ्रू अवर सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली मैं आउटपुट इक्वेशन भी ड्राइव कर लेता हूँ, आउटपुट हमारे पास होगा इसकी डायमेंशन होगी 1 बाय 1, सी की डायमेंशन होगी हमारे पास 1 बाय 2, एक्स की डायमेंशन इज अगेन 2 बाय 1 प्लस डी, फीड फॉरवर्ड कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, तो हम इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अब जब मैं इसे पॉपुलेट करूंगा तो y सिंपल y रहेगा क्योंकि 1 बाय 1 है, इज इक्वल्स टू सी में मेरे पास जो है एक रो और दो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ जी और एच, और एक्स मेरे पास अगेन वही होगा एक्स वन और एक्स टू, ठीक है। तो अब हमें आउटपुट इक्वेशन के ये दो कांस्टेंट चाहिए, तो टोटल ये 8 कांस्टेंट है जो हमें एक 2 बाय 2 सिस्टम के लिए जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से होते हैं वो अभी हम जो है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल कि ये पैरामीटर्स किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को जो है वो ये सब चीजें बता दी। जब भी आप किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे तो आप अपने दिमाग में रखें कि मुझे ये दो इक्वेशन बनानी है, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर x डॉट क्या है, a क्या है, x क्या है, b क्या है, u क्या है, ये चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। जब ये सब पिक्चर आपके पास क्लियर होगी तो आपको ये पता होगा कि मेरा टारगेट क्या है, ठीक है, तो आप उस टारगेट के हिसाब से अपनी एग्जाम्पल्स को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अगर ये m मेरे पास इक्वल टू 2 हो जाता, अभी मैंने 1 लिया है तो 2 हो जाता, तो अब ये जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो चेंज हो जाती, ठीक है। वो आप कैसे निकालेंगे, आप वैल्यूज को इधर प्लग इन करें तो आपके पास पता चल जाए कितनी रोज और कितने कॉलम का मेरे पास जो है वो सिस्टम बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ बिगिनर लेवल पे आपको जो है ताकि आपको पता हो कि मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इस तरह से सिस्टम को रिप्रेजेंट करना दैट इज कॉल्ड अ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन।
अगर आप ये दो इक्वेशन डिफाइन करते हैं तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इसमें से आपको ये ए बी सी और डी मैट्रिसेस चाहिए होते हैं फॉर एनालिसिस इन मैटलैब। ठीक है, मैटलैब में आपने इसे चार मैट्रिसेस बताने होते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। आज की लैब में हम ये भी देखेंगे कि किसी भी सिस्टम को स्टेट स्पेस में किस तरह से डिफाइन करें, एग्जाम्पल की के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके बाद जो हमारे पास ये मैट्रिसेस आए इनको मैटलैब में किस तरह से डिफाइन करें और फिर उसके बाद इसकी एनालिसिस किस तरह से करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। ठीक है, दिस इज सेम एग्जांपल दैट वी डिड इन लैब नंबर 3। ठीक है, लैब नंबर 3 में भी हमने जो है वो यही एग्जाम्पल जो है वो ली थी और इसके थ्रू ही हमने जो है वो सोल्यूशन किया था। हमने एक सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया था लैब नंबर 3 में। ठीक है, आज की लैब में जो है हम लोग वो इस सिस्टम का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन 8.4 है दैट इज x डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन m x डॉट माइनस k अपॉन m x प्लस 1 अपॉन m f। ठीक है, ये लैब नंबर 3 के अंदर इक्वेशन 3.2 हमने ड्राइव की थी। ठीक है, अगर आपने इसको रिकॉल करना है कि ये इक्वेशन कैसे आई थी तो आप लैब 3 में की वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करनी थी। ठीक है, तो स्टेट स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी होती है। ठीक है, फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके पास जो है स्टेट वेरिएबल्स आपने सबसे पहले सेलेक्ट करने हैं कि मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे और स्टेट वेरिएबल की क्वालिटी क्या होगी कि उसके अंदर डी बाई डी टी आ रहा होगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज आ रहा होगा, इसको हम जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास एक डॉट यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड डॉट आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यानी दो डॉट आ रहे हैं। ठीक है, सिंगल डॉट डबल डॉट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके स्टेट वेरिएबल इस सिस्टम के लिए कितने हो जाएंगे, आपके सिस्टम का n कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस सिस्टम में इनपुट कितना है, इस सिस्टम में एक ही इनपुट है दैट इज f। ठीक है, तो मेरे पास m कितना हो जाएगा, 1। इस सिस्टम में आउटपुट कितने है, एक ही आउटपुट है दैट इज x। तो मेरे सिस्टम के आउटपुट क्या हो जाएंगे, योर p विल बी 1। ठीक है, तो मेरे पास वही सिनेरियो बन गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के ब्लैंक स्केच दिया था। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको एक स्केच आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा मेरा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा स्टेट स्पेस मॉडल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लेट वाला काम करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने चीजों को लेट करना होता है ताकि ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन इसकी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो लेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि मेरा डेरिवेटिव किस चीज का आ रहा है। इधर हमारे पास किस चीज का आ रहा है, x। ठीक है, तो जिस चीज का डेरिवेटिव आ रहा है, जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है आपकी वो स्टेट है। ठीक है, जिस वेरिएबल का भी डेरिवेटिव आ रहा है वो आपकी क्या है, स्टेट है। ठीक है, तो आपने चेक लेट करना है कि मेरी जो पहली स्टेट है x1 दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, मेरी सेकेंड स्टेट क्या हो जाएगी, x2 इज इक्वल्स टू x का डॉट, या मैं कह दूं x1 का डॉट दैट इज इक्वल टू x डॉट। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी स्टेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने x2 का डॉट लेना है इज इक्वल टू x1 डबल डॉट दैट इज इक्वल्स टू x डबल डॉट। ठीक है, तो ये x वाले जितने भी टर्म्स हैं आपकी इक्वेशन में उन सबको आपने लेट कर लिया। इसको ले लिया आपने x1, इसको ले लिया आपने x2 और इसको ले लिया आपने x2 डॉट। ठीक है, अब आपने स्टेट स्पेस बनाने के लिए आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, आपने इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x डबल डॉट जो है वो x2 डॉट के बराबर है, ठीक है। तो अब मैंने ये जो अजम्पशन लेट की है मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एम, ठीक है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, सी और एम जो है हमारे सिस्टम में कॉन्स्टेंट थे। एक्स डॉट किसके बराबर है, एक्स डॉट एक्स वन डॉट के भी बराबर है और एक्स टू के भी बराबर है, ठीक है। अब स्टेट स्पेस में आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि पूरी इक्वेशन में डॉट वाला सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हम एक्स टू डॉट को तो ओमिट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम एक्स वन डॉट, अब मेरे पास यहाँ पे एक्स डॉट को लिखने के लिए दो चॉइसेस है, या तो मैं एक्स वन डॉट लिख लूं या मैं x2 लिख लूं, ठीक है। x1 डॉट लिखूंगा तो मेरे सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि मेरे सिस्टम में दो डॉट आ जाएंगे जो कि अलाउड नहीं है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऑर्डर होना चाहिए डिफरेंशियल का, बाकी अगर कोई है तो आपने उसका रिलेवेंट सब्सटीट्यूट प्लॉट करना है, ठीक है। तो x डॉट की जगह मैं x1 डॉट नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या लिखूंगा, x2, ठीक है, माइनस के अपॉन एम, माइनस के अपॉन एम, और एक्स की जगह मैं क्या लिख लूंगा, एक्स वन, एक्स वन प्लस वन अपॉन एम। एफ क्या है आपका, इनपुट, इनपुट को आप हमेशा लेट करेंगे यू इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, यू के बराबर आप इनपुट को लेट कर लेंगे और ये आपके पास यू हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी, यानी अब मैं क्या करूंगा, x2 डॉट फिर x1 x2 और फिर u के वैल्यूज बाद में, यानी जितने भी स्टेट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके चलूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, x2 डॉट इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस के अपॉन एम एक्स वन माइनस सी अपॉन एम एक्स टू प्लस वन अपॉन एम यू, सही है। अच्छा, ये मेरे पास आ गई एक स्टेट इक्वेशन, ठीक है। आप अगर अपना ब्लैंक स्केच ड्रॉ करें तो आपको एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट ये दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है, फिर आपका एक ए मॉडल होगा, फिर ये आपके पास x1 x2 होगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपके पास u होगा और फिर ये होगा। ये मैंने अपना ब्लैंक स्केच बना ली जिसके अंदर जो चीजें फिक्स थी वो मैंने लिख दी, अब जो अननोन्स वाली जगह थी वो मैंने एम्प्टी छोड़ दी, ठीक है। तो अब मुझे एक x1 डॉट की भी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, x1 डॉट की इक्वेशन आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये रही योर x1 डॉट इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, 0x1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1x2 प्लस 0u, ठीक है। इसको लिखने से मेरी ये जो इक्वेशन है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन अभी भी वही है जो ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे x1 डॉट x2 डॉट x1 के वेरिएबल दोनों आ गए, फिर ये x2 के दोनों वेरिएबल आ गए और फिर u के आ गए, ठीक है। तो आपने सिंपली इन वैल्यूज को प्लग इन करना है, ठीक है, इधर x1 डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट इज इक्वल टू, तो ऊपर वाली रो में आपने इसके तमाम कोफिशेंट्स को जो है वो फिल आउट कर देना है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 0 वन और फिर आखिर में जीरो। तो ये पहली रो में आपने पहली इक्वेशन से कोफिशेंट डाल दिए, सेकेंड रो में आपने सेकेंड रो से कोफिशेंट डालने, दैट विल बी माइनस के अपॉन एम माइनस सी अपॉन एम वन अपॉन एम, ठीक है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, योर ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू
0 1 minus k upon m minus c upon m. ठीक है, आपके पास जो b मैट्रिक्स आ जाएगा वो हो जाएगा 0 और 1 upon m. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये हमने जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव कर ली, दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन. ठीक है, आपकी स्टेट इक्वेशन आपके पास जो है वो यहां पे आपके पास आ गई. दिस इज योर स्टेट इक्वेशन. ठीक है, ये आपकी स्टेट इक्वेशन आपके पास बन गई. अब आपने सेकंड कौन सी इक्वेशन बनानी है, योर आउटपुट इक्वेशन. ठीक है, आउटपुट इक्वेशन का अगर मैं ब्लैंक स्केच बनाऊं तो ये होगा y इज इक्वल्स टू c x1 x2 प्लस 0u. ठीक है, d फीड फॉरवर्ड हमारे पास सिस्टम में कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू cx प्लस du, तो हमें c के वेरिएबल चाहिए. ठीक है, तो अब आप अगर देखें तो आपके पास जो इधर सिस्टम है वो क्या कह रहा है, आपके पास आउटपुट क्या है, we have output is equals to x, यानी y बराबर है x के, और हमने x को क्या let किया था, x is equals to x1. ठीक है, यानी this is equal to x1. ठीक है, अब complete करने के लिए मैं, ये मेरे पास equation बन गई, plus 0x2 plus 0u. ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई. अब आपने इसके जो कांस्टेंट्स हैं ये जाके ऊपर प्लग इन कर देना अपनी इक्वेशन में, 1 0 और फिर ये प्लस 0 u आ गया. ठीक है, तो अब आपके पास जो c मैट्रिक्स आ जाएगा दैट विल बी 1 0 और जो आपके पास d मैट्रिक्स आ जाएगा दैट विल बी 0. ठीक है, तो आपने बेसिकली ये चार मैट्रिसेस फाउंड करने होते हैं, a b c और d. ठीक है, आपके लैब मैनुअल के अंदर भी ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे मैट्रिसेस जो है वो फाइंड किए हैं. ठीक है, ये आप देख लें, ए आपके पास आ रहा है 0 1 माइनस के अपॉन एम माइनस सी अपॉन एम 0 1 अपॉन एम और सी आ रहा है 1 0 और डी इक्वल टू 0. ठीक है, यहां पे आपके पास जो है वो स्टेट स्पेस की मॉडलिंग कंप्लीट हो गई. ठीक है, अब आपने इन चार ए बी सी डी मैट्रिक्स को ले जाके अपने कहां डिफाइन करना है, मैटलैब में. ठीक है, तो अब हम चलते हैं मैटलैब में, आपको मैं दिखा देता हूं. सबसे पहले हमने अपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिए कि हमारा मास की क्या वैल्यू है. ये वैल्यूज वही रखी हैं जो हमने लैब 3 में लिखी थी, ताकि आपके पास रिजल्ट सेम है तो आपको पता चल जाए कि मैं ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू सिस्टम को मॉडल करूं या मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू करूं या मैं स्ट्रेट स्पेस के थ्रू करूं सिस्टम को मॉडल. रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सबका आउटपुट जो है वो सेम आएगा. ठीक है, तो मैंने ये अपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिए कि मेरा मास स्प्रिंग और डैम्पर का जो है वो ये कांस्टेंट्स है. ठीक है, अब मैंने सबसे पहले अपना ए मैट्रिक्स डिफाइन करना शुरू किया. ए मैट्रिक्स क्या था, 0 1. ठीक है, पहली रो में 0 और 1, आपने 0 लिखा फिर आपने स्पेस दिया फिर 1 लिखा. ठीक है, अब सेकंड रो डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना जरूरी है, आपने बीच में सेमी कॉलन देना जरूरी है. जब आप बीच में सेमी कॉलन देंगे तो आपके पास नई रो ऐड हो जाएगी. ठीक है, माइनस के अपॉन एम माइनस सी अपॉन एम. ठीक है, तो ये आपके पास दो रोज और दो कॉलम की आपने एंट्री डाल दी. ठीक है, बी में आपके पास क्या है, दो रोज है सिंगल कॉलम में, पहली रो के अंदर 0 है और सेकंड रो के अंदर 1 अपॉन एम है. तो आपने पहली रो में 0 लिखा फिर आपने न्यू रो ऐड करी देन आपने 1 अपॉन एम लिख दिया. ठीक है, लास्ट में आपने सी में आपके पास जो है वो 1 0 है, दो कॉलम और सिंगल रो. सिंगल रो डिफाइन करना बहुत इजी, 1 स्पेस 0. ठीक है, तो ये आपके पास रो डिफाइन हो गए. डी मैट्रिक्स आपका 0 था, आपने 0 डिफाइन कर दिया. ठीक है, तो अब हम इसे मैटलैब में जाके देख लेते हैं. ठीक है, मैं ये सेमी कॉलन हटा रहा हूं ताकि हम देख सकें कि हमारी वैल्यू जो मैट्रिसेस हैं वो सही तरीके से डिफाइन हुए हैं या नहीं. F9
अब आप ये देखें, ए मैट्रिक्स हमारा यही था 0 1 माइनस के अपॉन एम माइनस सी अपॉन एम, ठीक है। बी मैट्रिक्स था हमारे पास 0 और 1 अपॉन एम, सी मैट्रिक्स है 1 0 और डी मैट्रिक्स है 0, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जब ये मैट्रिसेस डिफाइन हो गए ए बी सी और डी मैट्रिक्स, ठीक है, अब आपने मैटलैब को बताना होता है कि ये जो चार मैट्रिसेस मैंने डिफाइन किए हैं दे कंबाइनली फॉर्म अ स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है आपके पास, दिस इज SS, ठीक है। आपने SS की कमांड लिखनी है, ठीक है। किस तरह से, आपने एक नाम देना है SS, ठीक है, आप इसे दे दें सिस्टम, ये कोई भी एक नाम आपने दे दिया स्पेस। अब आपने बताना है कि मैं एक स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो बना के इस SS के अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने लिखा SS, ये आपके पास कमांड थी, राउंड ब्रैकेट आपने ओपन करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको बोल रहा है कि आप ए बी सी और डी मैट्रिक्स बता दें। तो आपने ए लिखा, फिर आपने बी लिखा, फिर आपने सी लिखा, फिर आपने डी लिखा, यानी ये ए बी सी डी में उन मैट्रिक्स के नाम आपने देने हैं जिसके अंदर आपने अपने सिस्टम को डिफाइन किया है। ए इज योर सिस्टम मैट्रिक्स, जो आपकी सिस्टम डायनेमिक्स बता रहा होता है। बी आपकी इनपुट की डायनेमिक्स को बता रहा होता है। सी आपकी आउटपुट की डायनेमिक्स को बता रहा होता है। और डी आपकी फीड फॉरवर्ड डायनेमिक्स को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लिखा, अब मैं अगर जाके इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास एक स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप ये देखें, सेस इज इक्वल्स टू ए 0 1 माइनस 2 माइनस 1। अब देखें x1 x2, ये मैटलैब ने खुद आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि ये जो है उसकी जनरल फॉर्म थी स्टेट स्पेस की। u1 उसने खुद डिफाइन कर लिया, ठीक है। c से उसने y1, एक ही आउटपुट है आपके सिस्टम में, x1 की जगह पे 1 और x2 की जगह पे 0, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो है वो जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने सिर्फ ये कोफिशियंट फाइंड करने होते हैं, बाकी जो है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है जिसके थ्रू उसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेट स्पेस का जो है वो मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपने अगर इसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिस्टम में इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो इनपुट कौन कौन से होते हैं, वो इम्पल्स होती है, वो स्टेप होता है, वो रैंप होती है, वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट इनपुट किस तरह से सिस्टम में अप्लाई कर रहे थे वो हमने पिछली लैब में किए थे कवर। सिमिलर फैशन में आपने जो है वो जिस तरह आपने ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट अप्लाई किया था, उसी तरह से आप स्टेट स्पेस मॉडल में भी अपने इनपुट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे स्टेप रिस्पॉन्स देखना है इस सिस्टम का, तो मैं लिखूंगा स्टेप और उसके अंदर बता दूंगा कि मेरा सिस्टम ये है, ठीक है, एस कैपिटल है। अब मैं इसे रन कर लेता हूं, तो अब आप ये देखें वही स्टेप रिस्पॉन्स मेरे पास खुल गया जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू जो है वो देखा था, ठीक है। स्टेट स्पेस में आपके पास जो है वो आप सिस्टम को इस तरह से देख सकते हैं। अगर मैं इसका इम्पल्स देखना चाहता तो मैं यहाँ पे लिख देता इम्पल्स और फिर उसके बाद अपने सिस्टम को जो है वो रन करा लेता, तो अब ये मेरे पास उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, मैटलैब में आप बहुत आसानी से इन सिस्टम्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, आपने थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करनी होती है टू आइडेंटिफाई दीज मैट्रिसेस, ये चार मैट्रिसेस आपने फाइंड करने, ठीक है। और उसको फाइंड करने के लिए आपको मैंने पूरा मेथड जो है वो भी समझाया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे दो इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक स्टेट इक्वेशन और दूसरी आपके पास आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। उसको ड्राइव करने से पहले आप देख लें कि मेरे सिस्टम में कितनी स्टेट्स होंगी, ठीक है, आपने उनको नोट कर लेना है कितने इनपुट है कितने आउटपुट है, ताकि आप जो है वो सही डायरेक्शन में जाए। फिर आपने लेट कर लेना है कि कौन कौन सी स्टेट किसके बराबर है, ठीक है, ये लेट करने वाला जो है वो मेन काम है। अगर ये आपने सही किया तो आगे से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है,
और बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस फॉर्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेथड हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप जो है इस स्टेट स्पेस मॉडल को, ये जो आपने भी एस वाई के अंदर स्टेट स्पेस मॉडल बनाया है, आप चाहते हैं कि मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन देखूं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो कमांड होती है दैट इज जी इज इक्वल टू, नहीं इसमें आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही रिटर्न करता है, एन कॉमा डी, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एस एस टू टी एफ, ठीक है, दिस इज योर कमांड। यानी स्टेट स्पेस मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इधर आप अपने मैट्रिसेस बता देंगे, ठीक है। ये मेरा एक स्टेट स्पेस मॉडल है, इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस स्टेट स्पेस मॉडल को कन्वर्ट करेगा ट्रांसफर फंक्शन में। ट्रांसफर फंक्शन के दो कंपोनेंट्स होते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो न्यूमरेटर का आंसर न्यूमरेटर में सेव करेगा, डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में सेव करेगा, ठीक है। फिर आप उसको डिक्लेयर कर देंगे कि दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन एन कॉमा डी, सही है। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कोड में हुआ क्या, सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट डिफाइन हो गए, फिर मैंने अपने मैट्रिसेस डिफाइन कर लिए, यहाँ पे मैंने स्टेट स्पेस मॉडल क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टेट स्पेस मॉडल को कन्वर्ट कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर, और फिर इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म करके इसको किस में सेव करवा दिया, जी में, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे जी लिख के एंटर करूंगा तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा मेरे सिस्टम का, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लैब नंबर 3 में भी आपके पास सिमिलर यही ट्रांसफर फंक्शन आया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के टास्क के अंदर, ठीक है। तो सिंपल कमांड के थ्रू आप जो है बाय इजीली जो है वो ट्रांसफर फंक्शन देख सकते हैं स्टेट स्पेस मॉडल का, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है तो आप उससे भी जो है वो स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रांसफर फंक्शन मैं स्टेट स्पेस मॉडल को हटा देता हूं, ठीक है। ये मेरे कॉन्स्टेंट से ये हमने ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था, इसको मैं भी हटा देता हूं। अगर आप याद करें तो हमने एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था जी इज इक्वल टू टी एफ नम कॉमा डेन, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो ये ट्रांसफर फंक्शन था जो हमने लैब नंबर 3 में डिफाइन किया था, जो इसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं इसी सिस्टम के थ्रू, इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेट स्पेस मॉडल बना सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे कह देता हूँ सिस इज इक्वल्स टू स्टेट स्पेस, और स्टेट स्पेस में राउंड ब्रैकेट में जहां मैंने लास्ट टाइम जो है वो ए बी सी डी दिया था, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी दिया था, उसकी जगह अगर आप लिखेंगे ये ट्रांसफर फंक्शन नम कॉमा डेन, तो अब ये क्या करेगा, ये इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करेगा स्टेट स्पेस मॉडल में, और से सिस के अंदर जो है वो क्या कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है। अब मैं जाके इस कोड को रन करता हूँ, तो अब आप ये देखें मेरे पास ये वही ट्रांसफर फंक्शन जो है वो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। ये इन्वर्ट हो गया क्योंकि इसने x1 और x2 को दूसरी तरीके से अज्यूम कर लिया, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये एक ट्रांसपोज है a का, ये b का ट्रांसपोज है, और ये c का ट्रांसपोज है, और d आपके पास यहाँ पे भी क्या है, जीरो है, क्योंकि डायरेक्ट फीड फॉरवर्ड कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैटलैब में आप बहुत आसानी से ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेट स्पेस को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद जो है
उन सिस्टम्स की एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास माइमो सिस्टम्स होगा तो फिर आप जब ट्रांसफर फंक्शन को जो है स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम आएगी। अभी हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन माइमो सिस्टम्स में आपके पास जो है वो ये कन्वर्जन ट्रिकी हो जाती है ट्रांसफर फंक्शन और स्टेट स्पेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन से सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो माइमो सिस्टम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके एक साथ। सो दिस इज वॉज ऑल जो हमारा जो लेक्चर था कि आपके पास स्टेट स्पेस मॉडल क्या होता है, ठीक है, और मैथमेटिकली पीछे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को लैपलास में कन्वर्ट करने के लिए वो ये हो रहा होता है, ठीक है। अब ये बी आपके पास क्या है, बी इज योर इनपुट मैट्रिक्स, ए आपके पास क्या है सिस्टम मैट्रिक्स, सी आपके पास क्या है आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है, एस सिंपली लैपलास को डिफाइन करने की आप स्टेट स्पेस से किस में जा रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है, आई आपके पास इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उसका साइज डिपेंड कर रहा होगा इस ए के साइज के ऊपर, अगर ए 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का होगा, ए 3x3 है तो ये आपके पास 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। जब आप स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन वाली कमांड यूज कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे ये फॉर्मूला जो है वो मैटलैब रन कर रहा होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई उसे ए बी सी डी मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। दिस वॉज इट। अब आपने करना क्या है, ये वही सिस्टम है जो आपको लैब थ्री में दिया हुआ है, आपने इसका स्टेट स्पेस मॉडल फाइंड करना है, ठीक है, स्टेट स्पेस मॉडल आपने कैसे फाइंड करना है, लैब थ्री में जो आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था उसको स्टेट स्पेस में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसी तरह से पूरी डेरिवेशन करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है, लेट करना है कि मेरी स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, मेरे इनपुट आउटपुट क्या होंगे, ठीक है, उसके बाद आपने पूरा स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है, अपने ए बी सी डी मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर उन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसे मैटलैब में जाके पुट करना है वैल्यूज को, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, अपने कॉन्स्टेंट डिफाइन करने हैं, अपने मैट्रिसेस को डिफाइन करना है, फिर उससे स्टेट स्पेस मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है, फिर आपने उस स्टेट स्पेस मॉडल को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस कमांड, ठीक है, आपने ये वाला मेथड यूज करके स्टेट स्पेस मॉडल नहीं बनाना, ठीक है, आपने जो है इससे ऊपर वाले तमाम तरीकों से जो है वो स्टेट स्पेस मॉडल को फॉर्म करना है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन आपने जो निकालना है वो इस मेथड के थ्रू निकालना है, ठीक है, SS to TF कमांड के थ्रू, ठीक है, और फिर आपने डिटरमाइन करना है स्टेप एंड इम्पल्स रिस्पांस, ठीक है, अब वो स्टेप एंड इम्पल्स रिस्पांस या तो आप ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू डिटरमाइन कर लें या आप स्टेट स्पेस के थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं, आउटपुट दोनों के सेम आएंगे, ठीक है, आपने सबमिट मुझे दोनों में से कोई सा भी एक तरीका करना है, लेकिन आपने दोनों के स्टेप और इम्पल्स रिस्पांस निकाल के चेक करने के वो सेम आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, लैब मैनुअल के साथ आपने क्या अटैच करना है, ऑल रिस्पॉन्सेज ऑफ अबव थ्री एग्जाम्पल्स इन लैब मैनुअल, ये जो तीन एग्जाम्पल्स हैं इनकी जो रिस्पॉन्सेज आएंगे मैटलैब में वो आपने सबमिट करने है, ड्राइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मैकेनिकल सिस्टम लैब एक्सरसाइज, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने ड्राइव की थी लैब थ्री में आपने वो मुझे अगेन देनी है, ड्राइव स्टेट स्पेस मॉडल with all steps of the given mechanical systems, ठीक है, इसमें आपने ये वाले तमाम steps जो है वो मुझे दिखाने हैं, ठीक है, और फिर last है आपके पास MATLAB code and snap of output in command window, ठीक है, तो आप इस system के लिए जो ये वाले MATLAB के code लिखेंगे उसका मुझे code की और उसके जो output आई है उस की और कमांड विंडो में जो आपके पास स्टेट स्पेस मॉडल क्रिएट हुआ है उसकी तमाम स्नैप्स मुझे अटैच करके आपने थ्रू पीडीएफ फाइल जो है वो सबमिट करना है एलएमएस पे, ठीक है।
So this was it, state space representation using MATLAB. ठीक है, इसमें मॉडलिंग किस तरह से करते हैं, हम स्टेट स्पेस क्यों यूज कर सकते हैं, हम ट्रांसफंक्शन क्यों यूज करते हैं, ये हमने सारी चीजें आज डिस्कस कर ली. स्टेट स्पेस मॉडल को किस तरह से MATLAB में डिफाइन किया जाता है और फिर किस तरह से उनको सिमुलेट करके उनका रिस्पॉन्स जो है वो देखा जाता है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द लाइव सेशन के अंदर जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेक्शन 8A के साथ जो है इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे 2 बजे और 8B के साथ ऑन ट्यूसडे 2 बजे कमिंग. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बात होगी. अल्लाह हाफिज़.